This game is rigged. Hi guys. Hello. Yes, we're like देखो late spam हो गया ये literally it's on the dot 4 o'clock guys. 4 नहीं दिख रहा मामी नहीं खुली watch. कोई बात नहीं मेरे साथ भी होता है. बात करना okay, first of all welcome. Thank you so much for joining. Yeah, taking out your time and you know joining. So oh hi Amulya. Amulya is like one of my friends from school. Hi Amulya. उसने मुझे मैसेज किया था कि you know he likes our videos a lot and उसको editing भी बहुत अच्छी लगती है. I'm brilliant. Yeah. Okay. So today we're going to talk about stress. So this is something we decided to take up because we all face it. Not just Vedhi, but I have faced it in my life. Shivam has faced it in his life, and all of us, whether you're a parent, whether you're a student, whether you're, you know, anyone has faced, anyone who's living has faced stress in their life at some point of time or the other, or continue to face it. And I'm very bad at dealing with stress, but mommy are fairly good. Oh shit, I'm fairly good. Yeah, I'm very good. She's better. She's like not as good as me. But better than you, and she's the worst. He is good at everything. Let's start. No, I'm seriously very good. That's true. Yeah, actually, it's true. He is. He doesn't think too much, so that's why he doesn't really put effort into his problems. हाँ पता है और literally you might learn something from like him. Yeah. आज हम तो बस अपनी स्टोरी बताएंगे कि हाँ we are so stressed all the time, but मामा से आप ये सीख सकते हो थोड़ा कि actually how to deal with it and actually try to stay happy. Let's first start with stress related to studies. Okay. So straight into studies. What do you do when you face stress due to studies? पहले तो होता है आपको या नहीं होता मतलब honestly? देखो मुझे सिर्फ सभी stress होता है जब मेरे को ये हो रहा हो कि मैंने पढ़ाई नहीं करी हो और पेपर आने वाला हो और generally मतलब सबके साथ ऐसे होता है तो मेरे को 11th 12th में ऐसा इतना कभी stress नहीं हुआ उस टाइम बस performance anxiety होता है वो होता था मुझे कि paper के time आप कैसा perform कर रहे हो but generally apart from 11th and 12th मुझे हर बार ये anxiety हुई है कि पढ़ाई ही नहीं करी मतलब पढ़ाई नहीं करी तो कैसे मतलब क्या करोगे अब आप लास्ट डेज बच्चे क्या करोगे और ये सोचने के अलावा कि अगली बार तो फोड़ देंगे बिल्कुल उस वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है एंड ऑब्वियसली सभी को होता है तो मतलब मैं क्या करती थी उस स्ट्रेस के लिए एक तो मामा को आके रैंट करती थी बहुत ज़्यादा क्या करूँ मामा बोलते थे पढ़ लो अभी टर्मिनल एग्जाम्स थे मैंने कहा यार कुछ नहीं पढ़ा क्या समवन अभी आस्क्ड आल्सो कि हाउ डिड यू कोप अप विद फर्स्ट ईयर MBBS एग्जाम्स आई एम इन योर सेम बैच आई एम लाइक आई डिड नॉट आई मैंने अभी MBBS के लिए तो कुछ नहीं पढ़ा है इसने अभी तक मतलब लिटरली क्या ऐसा भी नहीं है ठीक है मैं पास हो जाऊंगी अच्छे से as dedicated मैं तो वही तभी मुझे एंजाइटी भी होती मतलब जो भी सोशल मीडिया आपके पास है उसको बंद कर दो सबसे आपको ना सबसे ज़्यादा सेंस ऑफ अचीवमेंट ये लगेगा चलो ये तो नहीं है टाइम वेस्ट करने के लिए अब चाहे आप दुनिया भर का सारा टाइम वेस्ट कर ले लेकिन आप उस पर टाइम वेस्ट नहीं करोगे इंस्टाग्राम या यूट्यूब जो भी आप उस पर टाइम वेस्ट नहीं करोगे आपको आपकी मेंटल स्पेस थोड़ी क्लियर रहेगी ठीक है मैंने नंबर 1 ये किया था और दूसरा ये किया था कि लेकिन आप तो यूट्यूब से बहुत सारे वीडियोज से पढ़ते भी थे हाँ मतलब सिर्फ पढ़ने वाला सो बेसिकली ओके सो आई हैव 2 accounts ऑन यूट्यूब 1 account इज़ फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेज एंड 1 account इज़ फॉर स्टडिंग पर्पसेज तो जो एक अकाउंट पर स्टडिंग पर्पसेज के लिए उसकी एल्गो में बेसिकली मेरी पूरी फीड इज़ फिल्ड विद स्टडिंग के टॉपिक्स प्रोडक्टिविटी एंड लाइक मोटिवेशन एंड ऑल दैट एंड ऑन दी अदर वन बस सिर्फ एंटरटेनमेंट सिर्फ रबिश स्टफ भरा हुआ है उसमें सो बेसिकली दैट इज़ हाउ आई डिवाइडेड इट। तो वो डिवाइड करने से ये हुआ ना कि जब आप बिल्कुल आपने सोच लिया भाई नहीं अब तो अब पूरे हफ्ते पूरे साल नहीं पढ़ा या पूरे महीने नहीं पढ़ा वट एवर, और अभी पढ़ना है ना, अभी अल्फा मोड में जाना है, तो दिस इज़ लाइक वन ऑफ द थिंग। मैं अल्फा मोड में चली जाती थी कि प्रोडक्टिविटी मैक्स आउट, मतलब बेसिकली मैंने इन टर्मलेस में भी मेरी प्रोडक्टिविटी मैक्सड आउट थी कि जितना 12 घंटे पढ़ सकते हो 13 घंटे पढ़ सकते हो उतना तो पढ़ ही लो टाइप्स, उतना पढ़ के मैं थोड़ा स्ट्रेस हो गई। बेसिकली पढ़ने के अलावा और कुछ मुझे समझ में नहीं आता कि स्टडीज़ को कैसे का स्ट्रेस कैसे हैंडल कर सकते हैं। तुम्हें स्ट्रेस होता था स्टडीज़ से लेके? So guys, I'm going to tell you about my school days, which was dinosaur years ago. So I used to hate studying. I used to hate it. Like, पढ़ाई से I would, you know, run away as far as I could. मेरा लाइफ का मुझे लगता था लाइफ में सिर्फ दो चीज़ें करनी है, एक तो कार्टून्स देखना है और एक खाना है। दैट्स इट। आई जस्ट वॉन्टेड टू डू दैट एंड आई थॉट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ दिस इज ऑल आई डू। एंड आई यूज टू हेट स्टडिंग एंड आई यूज टू हेट स्टडिंग इवन मोर बिकॉज यू नो बहुत डांट पड़ती थी। एंड देन बिकॉज यू आर नॉट गुड एट स्टडीज यू यूज टू गो टू स्कूल एंड द टीचर्स वुड ऑल्सो नॉट बी दैट नाइस टू यू एंड other people will also not be that nice to you. So how I coped up with that. So the first thing I did was mere 10th ke baad we I had taken up commerce. So I was really business studies was really interesting for me. So I realized that the moment you are interested in something, then you automatically want to know more about it. So this was one of the things that I was मैं भूल गया था। एक सेकेंड guys, मेरी mom आई है, मैं आपको मिलवाती हूँ उनसे। एक सेकेंड, दीदी आई है? Okay. So yeah, so basically find out what you are interested in, even in your studies. You'll be surprised. आपको हो सकता है English अच्छा लगे, maybe you're interested in you know the social sciences, you don't know, right? So once you start studying you'll know, okay, this is interesting, let me know more, this is interesting, let me know more. So this was one of the ways that I learned to cope up with the stress. Yes. Ek second please. Hi didi. Hello. Hi बोल दो सबको। Hi. ये मेरी प्यारी मम्मी जो मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रेस देती है दुनिया में। अभी तो हम पुलिस वालों को स्ट्रेस देते हैं। अरे मम्मा चुप हो जाओ, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। आइए डैडी। Hi Daddy. JD say hi to everyone. Hello. Daddy मुझे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं देते। ये मुझे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं देते, बाकी मम्मी देती है और वो चली गई। Okay. So guys, everyone who asks, oh, where are Vidhi's parents? Yeah, you finally seen them. हाँ. And another thing I'll say is don't delay it. Like for example, ऐसे होता है ना कि you're like नहीं अभी नहीं पढ़ना अभी नहीं पढ़ना. Don't delay these sort of things because it'll add up. It just keeps adding up to your stress. Take time out and study, even if it's a little bit. Just study a little bit in a day. So over time, it won't build up. And also, if you keep avoiding things, what kind of lesson are you giving yourself? That if you have a problem, just avoid it, and that will not help you in the long run. Like in future, you are going to deal with such difficult problems. Like I'm sure your parents. You see your parents deal with difficult problems. So compared to that, your problem is just study. So take time out, study even if it's a little bit. Study a little every day. हमारे आकाश में हमारे टीचर्स बोलते थे लिटरली तुम्हारे पास काम क्या है पढ़ने के अलावा, बताना ज़रा क्या काम है तुम्हारी ज़िंदगी में। तुमको कुछ फाइनेंसेस का टेंशन नहीं है, कोई लोन नहीं पे करना, कोई घर में तुम्हें घर में सब कुछ मिल रहा है, मतलब तुम्हें क्या करना है पढ़ना है और तुम एक चीज़ नहीं कर सकते हो। तो फिर वो थोड़ा मतलब हाँ सर पढ़ लेंगे सर, कोई बात नहीं। एक और चीज़ जो मैं विधि को बोलता था, जब इसके किसी एग्ज़ाम में बहुत ख़राब मार्क्स आ जाते थे व्हेन शी वाज प्रिपेयरिंग फॉर नीट, तो ये बहुत ज़्यादा वो हो जाती थी डिप्रेस्ड टाइप की, शिट यार ये अच्छा नहीं हुआ, पढ़ के भी कुछ नहीं हुआ। ऑल्सो आई रिमेंबर मैं ये बोलता था कि जस्ट मेक श्योर यू आर इन द कॉम्पिटिशन थ्रू आउट द 2 years, मतलब हाँ ये दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके चाहे एक टेस्ट में गंदे भी आ जाए, 3 टेस्ट में रेगुलरली ख़राब आ जाए, तब भी यू शुड बी इन द कॉम्पिटिशन। मतलब आप इतना कम मत पढ़ने लगो उसकी वजह से कि कंपटीशन के बाहर ही हो जाओ। और ना स्टार्टिंग में आप ये भी बोलते थे कि अभी चाहे इतना मत पढ़ो, बेसिकली स्टे इन द कंपटीशन थ्रू आउट। एंड तक आते आते ना बहुत लोग विल बी लाइक कि हम नहीं कर सकते, बर्नड आउट। इवन इन द कमेंट्स मैं ये पढ़ रही हूँ कि पीपल आर लाइक कि वी आर टायर्ड, वी आर दिस, बेसिकली वही है डीमोटिवेटेड। पता है क्यों हो जाता है? फटीग हो जाता है, एक बहुत ज़्यादा ब्रेन फटीग हो जाता है, नहीं पढ़ना, वही सेम चीज़। लेकिन वही सोचो कॉम्पिटिशन से ना थ्रिल आता है, एड्रेनलिन रश उसी से आता है आपको कि कंपटीशन के बारे में सोचो कि औरों को हराना है। बेसिकली दैट इज व्हाट मेक्स इट इंटरेस्टिंग, और कुछ इंटरेस्टिंग नहीं बनाएगा। अभी कॉलेज में इसीलिए मेरे पास मोटिवेशन नहीं है बिकॉज मुझे अभी किसी को सब इतने प्यारे हैं, पता है मेरे सारे क्लास में भी इतने सब अच्छे हैं, मेरे को किसी को हराना नहीं है, किसी से मतलब कुछ कॉम्पिटिशन नहीं है, सब मिलजुल के पास होते हैं। अभी थिंक ऑफ इट लाइक अगर तुम एक कार ड्राइव कर रहे हो तो 11th के फर्स्ट ईयर में यू आर इन लाइक थर्ड गियर, फिर 12th की बिगनिंग में यू हैव टू push the fourth gear, and by the end you should be on the fifth gear. I'll give a better analogy. This Shivam only gave it to me. That kabhi if you see a small kid, so how many turns will you give it? How many chances will you give it to learn to walk? Will you say after one try to the kid, "Nahi nahi, ab nahi ho raha, to chhod do"? No, right? So the kid will continue to do it again and again until they finally learn to walk. Missing mama's editing. Yaar, live kaise edit karenge mama? Give him a break, guys. नहीं मैं थोड़ा एक ये वाली साउंड डाल देता हूँ। इतनी एडिटिंग है, यही लेवल ऑफ एडिटिंग है, ठीक है मामा का। विधि लुकिंग ब्यूटीफुल, थैंक यू। आप ही लोग बोलते हो कैसे, मुझे बहुत खुशी होती है। इज क्रैकिंग नीट टू डिफिकल्ट फॉर एन एवरेज स्टूडेंट? नॉट रियली, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैंने क्रैक किया है यार। मैं ज़िंदगी भर से एवरेज ही स्टूडेंट रही हूँ, कभी कोई बहुत ऐसा नहीं, मतलब बहुत अच्छा नहीं हुए, और मैंने किया है, मेरे दोस्तों ने किया है। सिर्फ हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, कुछ नहीं दे। आप लोगों ने गाइस नीट का पेपर देखा था ना, इस साल क्या आया था नीट का पेपर में कुछ भी ऐसा नहीं था जो एक मतलब जिसमें शायद थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगे। सिर्फ जिसने पढ़ाई करी है, जिसने अच्छे से पढ़ लिया, जिसने उस दिन सिली मिस्टेक्स नहीं की, वो जीत गया, बाकी हार गए। बेसिकली बस यही था, यही एंड तक सोचना है हमको। We'll talk about stress due to family. Like if you could remove mama from my equation, so I will have no family stress. So I won't relate to it, but unfortunately I do. You won't have any stress because you won't be alive. हाँ। मेरे बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। ये देखो, ये होता है confidence, ठीक है? So I've had a very testy relationship with my parents. I like as a lot of you can relate to, but over the years we kind of worked on it. So but as a kid it was very very difficult for me because it was like आप बात ही नहीं कर सकते। लाइक इवन इफ़ यू ट्राई टू टॉक टू देम, यू नो के ये लोग नहीं समझ रहे हैं। लाइक देयर वर लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन आई वाज फेसिंग सम इश्यूज, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई वांटेड टू टेक थेरेपी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, बट माई Mom didn't even understand what I was saying, and I was trying to explain it to her that Mom, I'm really getting disturbed. I need to see a doctor or something. And Mom was like, "Chup rahe," you know. So it was very difficult. And like if I now look at it from my parents' perspective, your parents are so occupied with so many things. Like they have to take care of you in the sense they have to give you food, they have to give you shelter, they have to make sure, you know, your fees are paid, they have to, you know, pay the bills. They are occupied with so much that sometimes they really don't get time to pay attention to finer things. So in this situation, what I learned over the years is stick to your points. Like if I needed help, I have to go and tell them that listen, this is really bothering me. When you dismiss me like this, when you say that, you know, chup rahe, aisa kuch nahi hai and stuff like that it's like bothering me even more. So the idea is like keep that communication going. Make sure that you tell them that Mom, this is really affecting me, and trust me, your parents want the best for you, so they are not you know, they will ultimately listen. So thank you, yeah. Super chat ke liye Bibu Ranjan Kalita, thank you so much. So yeah, one thing is that your parents can make lots of mistakes. वो भी अपनी जर्नी पे, उनकी भी अपनी लाइफ है. Don't think that their life completely should revolve around you. मामी मुझे एक चीज़ बोलती थी जिससे मुझे ना बहुत जैसे हो जाता था कि यार मम्मी ऐसे क्यों कर रही हैं, ऐसे क्यों बोल रही हैं, टाइप्स करके मुझे बहुत होता था. तो ना मामी मुझे ये बोलती थी एक चीज़ कि डोंट थिंक ऑफ देम एज जस्ट योर पेरेंट्स, दे आर देयर ओन इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स, एंड दैट हैज़ हेल्प मी सो मच. लाइक मुझे मतलब तो आपको लगता है ना आपकी जो मम्मी है, आपके जो पापा है, वो बस the only thing that they are is your parents, the only thing that they should be thinking about is you, या फिर जो भी वो कर रहे हैं मतलब तुम्हारे अराउंड होना चाहिए, तुमको inconvenience कैसे हो रही है उनकी वजह से types. And for them this is the first time, right? Like for your mom it's the first time taking care of a 18-year-old kid. She's not done it before, so she's also learning as she goes. हाँ, मतलब not a very good learner but okay, I'll take it. हाँ, तो basically अपने parents तुम्हारे बहुत गलतियाँ करेंगे, मे बी देर गिविंग यू द रॉन्ग एडवाइस. हो सकता है वो तुम्हें कह रहे हैं कि यू नो तुम्हारा तुम म्यूजिक में बहुत अच्छे हो, पर वो तुम्हें कह रहे हैं नहीं इंजीनियरिंग ही लो, इंजीनियरिंग ही लो. नहीं नहीं मतलब मुझे ऐसे बोला नहीं मम्मी पापा ने, मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ. तो अगर ऐसा कुछ है भी तब भी मे बी देर गिविंग यू द रॉन्ग एडवाइस बट द इंटेंशन इज प्रोबेबली नॉट wrong. Guys, just to interject, like Shivam's parents have been so supportive of him. Like even if they told him, even if he would have told them that, you know, I don't want to do anything for like the next 2-3 years. I just want to like, you know, be a hippie. They would have been okay with it. Like they're so supportive. Yeah. So that's why he can say things like these. नहीं, but मैं वो कह रहा हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, don't question the intention. क्योंकि जब आप उनकी intention question करने लगोगे ना, तो फिर then it's a slippery slope. फिर वो the relationship will go downgrade. और पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. It really like helps you so much in life. Because तुम एक तो पहली बात जब बहुत टाइम तक तुम उन्हीं के साथ रह रहे हो तो तुम्हारे मतलब तुम जितने टाइम घर पे हो तुम डील कर रहे हो उनसे, तो you have to have that मतलब इतना comfort और इतना मतलब अपनी sanity क्या बोलते हैं sanity maintain करने के लिए एक normal relationship होना बहुत important है. Also, I'd like to say to the parents, if there are any parents watching, so like as we move forward in our life, hum like settle ho jate hain, so we are in a better place. But by the time we do that, the kids have grown up, and if you are not able to maintain a relationship where आपका बच्चा आके आपसे बात कर सकता है and expect के आप भी वो बात सुनो और उसको मतलब like you collectively deal with it. अगर ये नहीं हो पाता, so later on in your life you can't expect to have a very good relationship. Later on और difficult होगा because you will need them more than they need you. क्योंकि वो तो बड़े हो गए, अब वो दुनिया like अपनी दुनिया like they are going to live their life. Sorry. हिंदी आबिदा. And one more thing, ना बच्चों की बातों को ना थोड़ा seriously लो. Like don't dismiss them off the hand. अगर वो कुछ बहुत random भी बोल रहे हैं ना, for example स्टूडेंट इन क्लास 11th ही सेज कि मुझे गेमिंग करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे नहीं कॉलेज में नहीं एडमिशन लेना, मुझे गेमर ही बनना है. ठीक है, इट माइट साउंड सो रिडिकुलस टू लाइक मोस्ट पीपल, मोस्ट पेरेंट्स, बट स्टिल टेक इट सीरियसली. एटलीस्ट गिव देम एन ऑप्शन. मतलब हमारे पास वैसे इतने सारे कंस्ट्रेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल पैसों का कंस्ट्रेंट होता है और भी बहुत सारे कंस्ट्रेंट होते हैं. एटलीस्ट सोच में कंस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए. वी शुड हैव एन ओपन थिंकिंग. एक बार गिव हिम अ चांस, लाइक एटलीस्ट लिसन टू हिम प्रॉपरली. डोंट डिसमिस इट ऑफ हैंड कोई भी सजेशन. और मैं ये नहीं कह रहा कि गेमर बन जाओ. हाँ, ये देखो ये है इंडियन पेरेंट, ठीक है, एट द एंड. नहीं, बट आई एम जस्ट सेइंग कि बी ओपन. लाइक द पेरेंट्स रियली नीड टू बी ओपन. बीइंग अ गेमर इज एज much of a lucrative career as being a musician. तो अगर आप अच्छे हो तो जाओ, गो अहेड, व्हाई नॉट परस्यू इट. But you need to be really that good. Like you need to be in the top 0.1% of the gamers. Even though we are not parents, but we have learned so much about parenting through Vidhi. Because she is a very difficult child. क्या difficult child हूँ मैं, हद हो गई. नहीं मतलब she is not very difficult. वैसे it's not about being difficult. It's just that she also goes through life like all of you. She is also a normal teenager. She also has issues. We also see like. How to handle her sometimes comes because she gives us feedback. Like if we tell her something and she doesn't like it, she tells us that no, you know, I don't like this. So this lets us know what she is comfortable and not comfortable. और मैं काफी seriously लेता हूँ इसका ऐसे feedback. If she says कि ये नहीं पसंद या you know you should not speak to me like this या something like that, तो I take it seriously. और मतलब बहुत difficult होता है कई बार like to understand her and to you know get to her level and understand her कि अच्छा इंस्टाग्राम में रील बनानी है इसको फॉर एग्जाम्पल, उसमें 3 घंटे लगाने हैं तो वो क्यों लगाने हैं. मतलब आई कैन नॉट, इट डजंट मेक, इट्स नॉट इवन द राइट थिंग टू डू, बट द थिंग इज शी हैज़ टू मेक दोज मिस्टेक्स. यू हैव टू लेट योर चिल्ड्रन मेक मिस्टेक्स. तो बहुत डिफिकल्ट होता है बट करना पड़ता है। Where you learned this from? हाँ, ये आबिदा मुझे बहुत सिखाती है। ये मामी बोलती, मामा इज लाइक कि बहुत ज्यादा कि बस प्रोटेक्ट करके रखते रहो, बस मना करते रहो हर चीज के लिए, नहीं तुम नहीं कर सकते, नहीं तुम नहीं कर सकते। मामी बोलती थी कि लेट हर मेक हर ओन मिस्टेक्स, तभी तो वो सीखेगी, लाइक डोंट बाउंड हर सो मच। एंड गाइज आई लाइक मे बी समडे विल मेक अ सेपरेट vlog on my life wherein like the reason why I'm able to overcome a lot of things is because I have made those mistakes, and you should let yourself, don't be afraid to make mistakes. ये नहीं कि जाके एक खड्डा है तो कूद जाओ, but like there are a lot of things which you are going to miss. So for example the reels thing that Shivam talked about, it's okay, like for us it's like oh my god एक video के लिए it's a waste of time, it's a waste of time, but it's okay, it's your life, you have to waste that time, and then when you have shortage of time for something important then you'll be like shit, I should have, you know, utilized my time a little better. One thing, and that it's fine. Yeah, one thing that I've realized over the years is ki the change only comes from within. Yeah, chahe koi kitna bhi keh le, and all parents need to understand this, even I need to understand it little bit, कि चाहे मैं कितना भी बोल लूं विद को, या चाहे कोई पेरेंट कितना भी बोल ले अपने बच्चों को, they will not understand until it comes from within. So it's better to let it be, it's better to just let it be. Anything else? काफी passive aggressive statement just to let it be, but okay, we'll take it. नहीं, but it's true, it's true, and it's, I think it works for you as well. हाँ, मतलब मुझे जब 2-3 बार बोल के छोड़ दिया जाता है तो मुझे और ज़्यादा टेंशन होती है कि अब मुझे कोई बोल नहीं रहा है। So the next topic is fear of change and how can we embrace change. So the right person to talk about this is. किसी ने मुझसे पूछा विधि why didn't you get a names? Guys मेरे 620 मार्क्स आए थे guys, ऐसे क्यों बोल रहे हो? 618 618 ना? Now that you've said it guys, अगर किसी का aims भी नहीं होता does not mean that they will not excel in their life in another college. अरे नीट में भी नहीं होता तब भी you can excel in life, मतलब तुम्हारा किसी भी कॉलेज में ना हो, तुम्हारा कुछ like it has, studies has nothing got to do with like your success in life. Yeah. Nothing absolutely. The world is really really big. ये नीट जो 10 लाख बच्चों का है, सही है, वो सिर्फ उस टाइम तक वैलिड है, उसके बाद यू रियलाइज देयर सो मच मोर, देयर सो मेनी अदर प्रोफेशंस. नहीं, मैं यही बोल रही थी कि जब वो 2 साल थे, 2 साल में से लगता था नीट के अलावा कुछ और जिंदगी में नहीं. आपको भी यही लगता होगा कि बस ये AIATS में अच्छे मार्क्स नहीं आए ना, बस कूद में नस काट लेंगे, कुछ कर लेंगे, ये मतलब ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है. पूरी दुनिया रिवॉल्व्स अराउंड नीट एंड जो भी, मतलब फॉर एग्जाम्पल व्हाटएवर एग्जाम और व्हाटएवर थिंग दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर. अब मुझे लिटरली नीट की डेट के अलावा और कुछ भी नहीं पता, बट आई समटाइम्स मिस दोस डेज. बट वही मतलब व्हेन यू मूव ऑन देन यू एक्चुअली सी द बिगर वर्ल्ड. और जब आप पहले 10th में भी थे तब भी क्या हुआ? वाह, व्हाट अ ग्रेट थिंग टू आस्क इन द लाइव स्ट्रीम. विधि आपके बाल ऑयली हो रहे हैं. कोई नहीं हां सॉरी. या ओके, तो या एम्ब्रेसिंग चेंज. सबसे ज़्यादा चेंज से प्रॉब्लम अगर मैंने किसी को भी देखा है दुनिया में तो वो विधि है. इतने फ्लॉज मेरे एक लाइव स्ट्रीम में निकल रहे हैं. एंड द मोस्ट एक्साइटेड फॉर चेंज इज मी. या दैट्स ट्रू. आई एम समवेयर इन द मिडिल. आई एम लाइक द परफेक्ट वन. या आई विल जस्ट लाइक ऑलवेज मामा स्ट्राइक्स अगेन. या तो क्या मतलब चेंज. ओके, मतलब ये तो सबको पता ही है. अगर इन्होंने मतलब सबने ऑब्वियसली वीडियोस या वो तो देखी होगी कि मेरे को चेंज लाइक बिल्कुल नहीं पसंद. मुझे लगता है कि जो जैसा है ना वैसा रहे. सो बेसिकली अभी ऐसा है कि मुझे इतना सा चेंज करने के लिए बोल दिया गया कि अभी मम्मा आई है ना, अभी मम्मा ने बोला कि तुम मेरे साथ हमारे अब घर पर चलो क्योंकि वैसे भी लॉकडाउन है तो स्टे एट होम ना. मेरे को उसमें ही मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि नहीं यार, मैं अब मैं यहाँ पे बहुत दिन से हूँ तो मैं सेटल हूँ. आई हैव दिस रूटीन या वॉट एवर, आई हैव अ लाइफ हियर एंड गोइंग देयर फॉर 1 वीक विल चेंज एवरीथिंग. मुझे उतने से चेंज से प्रॉब्लम हो जाती है. मतलब मुझे उतने से चेंज से स्ट्रेस हो जाता है कि यार सब कुछ चेंज हो जाएगा अब फिर से यू हैव टू अडेप्ट टू न्यू थिंग्स. मतलब आई गेट वेरी कम्फर्टेबल इन माई ओन रूटीन और वो सब, और इन माई ओन सेट ऑफ पीपल, और वो सब चेंज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. बट मैंने हर बार लिटरली ये रियलाइज़ किया, हर बार जब मैं 10th से 11th में यहाँ आई थी, मतलब मैंने चेंज की थी अपनी लोकेशन और मतलब मम्मा के पास रहने से यहाँ पे आई थी मामा के साथ, तब मैं इतना रोई थी। मुझे याद है मैं मम्मी को फ़ोन करके फर्स्ट वीक ऑफ आकाश क्लासेस मम्मी को फ़ोन वापस लेके जाओ, मुझसे नहीं होगा यहाँ पे, मुझसे आई कांट सर्वाइव हियर। मेरे नोएडा में क्लासेस में लाइक सिर्फ 15-20 बच्चे होते थे आकाश में, एंड यहाँ पे दे लाइक 100 पीपल एंड माइक पे पढ़ा रहे हैं, सर ऐसे तो नहीं हो सकता, मैं नहीं यहाँ नहीं रह सकती, यहाँ नहीं रह सकती। 1-2 महीने बाद ओके ठीक है, इट्स गेटिंग बेटर, इट्स गेटिंग बेटर। फिर जब मेरा नीट तक तो बिल्कुल ही मतलब इतना प्यारा, कोई मुझे बोलता ना वापस जाने के लिए बिल्कुल नहीं जाती मैं, इतना मज़ा आता था मुझे यहाँ पर। ठीक है, स्कूल चेंज हुआ, स्कूल में अपने स्कूल में इतने मज़े करती थी एंड देन कमिंग टू अनदर डिफरेंट स्कूल, बिल्कुल ही डिफरेंट, पढ़ाई भी करनी है, ऊपर से दोस्त भी नहीं बना सकते थे क्योंकि पढ़ते रहना है पूरे टाइम, इतना बड़ा स्ट्रेस। बट वही बन गए धीरे धीरे, 2 साल में बन गए, बहुत मज़ा आया, बहुत फन आया, अभी तक है मेरे साथ, अभी तक मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं वो। देन कॉलेज आना इतना बुरा लगा था ना, आपने देखा है वो, तो आपने भी देखा है, वो डॉक्यूमेंटेड है कि मुझे कितना एंग्जाइटी हो रहा था कि ऑल ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स आर लीविंग, व्हाट विल आई डू नाउ, मेरे मतलब मेरी पूरी लाइफ चेंज हो रही है, सब कुछ चेंज हो रहा है, रूटीन चेंज हो रहा है। पहले जब नीट खत्म हुआ था उसके बाद भी यही लगा था मुझे, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास कुछ नहीं है करने को, मेरे पास कोई लोग नहीं, क्या करूँ, मतलब व्हाट शुड आई डू। फिर मैंने एक अपना नया लाइफ बनाया, फिर मैंने अपना नया लाइफ बनाया जब मेरा कॉलेज शुरू हुआ, एंड कॉलेज इज़ सो फन, लाइक सच नाइस genuinely nice people and मतलब a lot of fun stuff to do। तो although आप जा नहीं पा रहे वो अलग बात है, but our college friends are so helpful, like whatever I have seen, very helpful, everybody helps each other, कोई negative competition नहीं करता, मतलब अभी तक कॉलेज में नहीं होता वैसे as such negative competition नहीं होता, कॉलेज में लोग पढ़ते ही नहीं है मतलब generally I can't relate to not studying of course, but I would just say just change the way you look at it, don't make it so big that you can't deal with it only, like if you say nahi ho sakta, sab khatam ho gaya, ab mera college chhut gaya, like ab mera wo like Akash friends nahi hai, koi nahi hai, naya college hai to sab khatam ho gaya, mere koi friends hi nahi bane, if you make it so big then it's not a right way to approach it, right? तो आप अपने लिए डिफिकल्ट बना रहे हो कि हैंडल करने के लिए। हाँ, बेसिकली अपने कंफर्ट जोन से निकलना बहुत मुश्किल होता है एक बार, और मेरे लिए उस कंफर्ट जोन में जाना इतना मुश्किल होता है ना, और उस कंफर्ट जोन में वापस निकलना बहुत 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 मुश्किल होता है, और जाना भी बहुत मुश्किल होता है उस कंफर्ट जोन में। इसीलिए मुझे पता नहीं क्यों मेरे को मेरी लाइफ में इतनी बार करना पड़ता है ना, ये इतनी बार चेंज करना पड़ता है कि अच्छा ठीक है चलो अब नया चेंज, हर 2 साल में मेरी लाइफ चेंज होती है, एक साल। It's called adulting. सीरियसली नहीं, नॉट बिफोर अडल्टिंग ऑल्सो मेरे साथ ये होता था बहुत ज़्यादा। मैंने अपने बहुत स्कूल्स चेंज किए हैं, घर चेंज किए हैं, सब कुछ है। मेरे को अपना पुराना घर, मुझे अपने नोएडा में अपने पुराने 2 घरों में शिफ्ट करना था, उसमें ही मुझे इतना यार क्यों नए घर में जाना है, ये सब वहाँ मेरे यहाँ मैं इतनी कंफर्टेबल हूँ। अब वो नए घर गए, वहाँ पर मज़ा आने लगा। बेसिकली मुझे एक चीज़ पता चल गई है, चाहे मुझे हर बार बहुत ख़राब लगेगा, चेंज बहुत ख़राब लगेगा, बट आई नो दैट आई कैन सर्वाइव इट। एक ना हमारी नीड होती है सर्टेनिटी की, सर्टेनिटी कि वी नीड समथिंग, वी नीड टू फील सर्टेन अबाउट समथिंग। हर इंसान की वो नीड होती है, एंड एवरीबडी डिराइव्स और फुलफिल्स दैट नीड फ्रॉम सम और अदर प्लेस। सो फॉर एग्जांपल विधि कैन से डिराइव इट फ्रॉम, जस्ट अ सेकेंड, किसी ने कमेंट किया चेंज विधि, जा विधि ने कल मैसी को बुलाते हैं, चेंज विधि, भाई मैसी विल म्याऊ फॉर यू। तो बेसिकली वो नीड हर कोई डिफरेंट जगहों से अपनी फुलफिल करता है। फॉर एग्जांपल से विधि अपने फ्रेंड से करती होगी, आबिदा से मुझसे करती होगी, मैं से म्यूजिक से करती हूँ। फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट सेइंग रैंडम, व्हाट अ ट्रायंगल। ठीक है, सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो व्हाट इज बेटर, विधि फुलफिलिंग हर नीड फ्रॉम हर फ्रेंड, second is Abida fulfilling her needs from me, and third is me fulfilling needs from music. Which do you think is the best? आप बताओ विधि। Music. हाँ, why? Because it's the most certain. Yeah, मतलब I don't need anybody else to fulfill that need, and that need will always be fulfilled then. तो अपनी needs always try and fulfill from sources which are not dependent on any other person. So basically, I'm going to eject Shivam from my life now and derive my. Her need is still better than like her way of fulfillment is still better than Vidhi's. अगर Vidhi अपने फ्रेंड से करते, फ्रेंड्स तो जाएंगे इधर उधर, किसी का कहीं एडमिशन होगा, किसी का कहीं शादी होगी, कोई कहीं अलग कंट्री में जाएंगे. And not just that, like you are all growing, right? So the person you were last year is not the same person as you are this year, right? Yeah. So friends भी नहीं रहेंगे. Your friends are also growing, right? Like so at the beginning it's always like there's so many things in common. Even when we met I felt like you know there's so many things in common, but then we started as we grew together we realized I realized he's so different from me. I'm a totally different person. I'm growing. So but then if you find a way to work it out then it's great. We are married, we have to work it out. Yeah. But with your friends it's like it's okay. Let them grow and let them be the same way you also grow and be. हाँ basically वही कि don't seek certainty इतना ज़्यादा from other people जिनके actions तुम नहीं control कर सकते. Basically always seek certainty from yourself, within yourself. आकाश फॉर श्योर 100% मैंने तो आकाश यूज़ किया बट आई हैव नो आइडिया जेई के लिए ज़्यादातर लोग आई गेस वीएमसी या मैं तो जेई के लिए भी बोलूँगी आकाश से पढ़ो. इतना फन करते थे आकाश में. ये विद्या मंदिर वाले एंड फिजी वाले बच्चे सिर्फ पूरे टाइम बस रोते रहते थे कि हमारे टीचर्स हमें हेल्प नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते. नो ऑफेंस टू एनीवन बट आकाश में और बहुत अच्छे अच्छे CS निकाला है बच्चों ने. IIT दिल्ली वाला CS नहीं निकाला बट जो भी है बेसिकली बहुत IITs में CS निकाला है. तो कंप्यूटर साइंस एक्चुअली लाइक बेसिकली ना अपने सेंटर जो तुम्हारे घर के पास है ना वहाँ पे पहले जाके थोड़ी रिसर्च कर लो कि कैसा है. किसी कोई पुराने बच्चे से पूछ लो बिकॉज सेंटर रियली मैटर्स. आकाश में भी बहुत बेकार सेंटर्स मिल जाएंगे. Someone has written, मामा गाना सुनाओ. Guys, तुम कितने रैंडम हो सकते हो, कितने रैंडम हो सकते हो. ये जो मोहब्बत है oh my God, चुप हो जाओ. Okay. Guys, I'll tell you a real story. This really happened, okay? So Shivam was performing somewhere. It was a solo performance. So he just had his keyboard and he was also singing. So some guy came and said, "Please don't sing." उसके बाद he didn't sing. He just played the keyboard. याद है एक बार हम हॉस्पिटल में थे, आई केयर गए थे. मामा मामी हॉस्पिटल में उनकी आईज डायलेट हो रखी थी दोनों की और दोनों गाना गाए जा रहे हैं. एक बंदा आया, मामा को ऐसा करके कहते काफी फनी. आई गेस पीपल आर नॉट टू रिसेप्टिव ऑफ माय सिंगिंग. ओके. हाँ, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट. तो ये भी सबसे ज़्यादा आई थिंक विधि को ही होता है यार. ये तो मेरे को बिल्कुल, मुझे भी होता है. अच्छा, तुम्हें भी होता है. तो तुम यू स्टार्ट विद दिस. ओके, तो मुझे ये पता नहीं था मुझे होता है. तो आई यूज्ड टू स्पीक टू अ काउंसलर एंड व्हेन आई यूज्ड टू टेल हिम माय प्रॉब्लम्स उन्होंने मुझसे बोला कि हैव यू हर्ड ऑफ फोमो. आई वाज लाइक या ऑफ कोर्स आई हैव हर्ड ऑफ फोमो. ही इज लाइक रीड इट एंड टेल मी दैट यू डोंट हैव इट. And then I read about it. I was like, yes, I do have it. But मेरा क्या होता है FOMO? So basically, it's like you're doing something. For me, it was like this: that I'm doing something, but I'm not able to focus on doing that thing because I'm feeling like I'm missing out on something else. So that fear that will not let you enjoy what you're doing at the present is FOMO. मेरे को ये FOMO होता है जैसे कि यार उसके पास कितनी अच्छी ड्रेस है, वो मेरे को भी चाहिए. मतलब मेरे को बहुत स्टूपिड फोमोज होते हैं कि वो भी बाहर गए, मेरे को भी बाहर जाना है, वो भी वेकेशन पे गए, मेरे को भी गए. बहुत चाइल्डिश फोमोज होते हैं मेरे को बेसिकली. एज नथिंग एज ड्रम, मतलब ऐसा वो कुछ कि पागल ही हो जा रहे हैं टाइप, ऐसा कुछ नहीं होता था. बस वो होता है जब जब मेरे सारे दोस्त मिल के फ़न कर रहे होता और मैं नहीं होती वहाँ पर, जो जनरली होता था. तो लगता था मेरे को भी जाना है, मेरे को भी फन करना है. बट ठीक है, अब तो अब वो भी एज सच इतना ज़्यादा नहीं है. बट हाँ, बस लगता है कि ये मतलब यार होना चाहिए था. बट 2 मिनट बाद ठीक हो जाती हूँ. अब मैंने काफ़ी वर्क किया अपनी फोमोइंग पे. सुपर चैट. मम्मी इज प्रिटियर देन विधि. ओह गॉड, सॉरी विद, इट्स ओके गाइस. मेरे को एक्चुअली आई एग्री. हाँ, ये कोई कॉम्पिटिशन नहीं है वैसे. इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन गाइस. But if it were, then I would be the prettiest. Yes, that is true. No questions asked. ज़्यादातर हाँ सोशल मीडिया पे जो इतना ज़्यादा पोर्ट्रेयल होता है ना सोशल मीडिया पे कि हमारी लाइफ तो बेस्ट लाइफ है, हमसे बेटर किसी की लाइफ नहीं है वाला चीज़, वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, उससे आपको बहुत फोमो होता है। तो बेसिकली मैंने अभी एक रील देखी थी अबाउट लाइक अ रिमाइंडर दैट सोशल मीडिया इज़ फेक। वही अब मुझे रियलाइज़ हो गया, लिटरली मेरे बहुत ऐसे दोस्त वोस्त भी हैं जो सोशल मीडिया पर ऐसे दिखाएंगे ना जैसे कि बिल्कुल ही हैप्पीएस्ट हो और सब कुछ हो, बट रियल लाइफ में देर नॉट एक्चुअली हैप्पी, रियल लाइफ में दे टेल मी देयर प्रॉब्लम्स एंड ऑल्सो। आई एम लाइक क्या फ़ायदा तुम इतना ज़्यादा दिखा रहे हो अपना सोशल मीडिया वगैरह पे कि तुम तो हैप्पीएस्ट हो एंड देन तुम एक्चुअली में नहीं हो, क्या मतलब। इट्स लाइक मेरा ज़्यादा विश्वास उठ गया अब इन सबसे, तो मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करती कि लोग जितने खुश दिखा रहे हैं वो उतने हैं, तो इसलिए मेरे को इतना फोमो नहीं होता। ओके गाइज, सो दिस इज़ द रील। Here are my insecurities. Pistachio. Follow me and together we will love ourselves. Daily reminder: social media is fake. Here are my insecurities. So basically, she is a very famous model, very famous, and matlab it's like when all these people are like, we are not perfect guys, where we also have our flaws, our bitches. So मुझे लगता है हाँ भाई आपका पेट निकल गया, आप थोड़े वो हो गए, ऐसा कुछ नहीं, सब फेक है सोशल मीडिया पे, तो मुझे इतना ज़्यादा फोमो होता नहीं है। बहुत लोगों ने पूछा कि डू वी नीड टू स्टडी अ लॉट इन मेडिकल। डेफिनेटली बहुत, मतलब जनरली हर कोर्स से ज़्यादा पढ़ना होगा आपको, हर कोर्स से, और फोमो बहुत होने वाला है, 5 साल बहुत फोमो होगा, सब लोग इतने मज़े कर रहे होंगे बट आप पढ़ रहे होंगे टाइप। Guys, you have the one of the oldest professions in the world, so obviously you have to study so much for it. हाँ, and vast, like there are no bounds to what you can study. सबसे बड़ी problem यही है कि just endless subjects are endless. तुम जितना पढ़ना चाहो उतना कम है, ऐसा है। तो हाँ पढ़ना तो बहुत पड़ता है बट मज़ा भी आता है। इट्स लाइक वही ना, जब तुम 11th 12th एंड ऑल में होते हो तो तुम्हें लगता है कि यार बस बायो सबसे अच्छी लगती है, अब तुम्हें बायो पढ़ने को मिल रहा है, तो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट तुम्हें इतने सारे वेज में पढ़ने को मिल रहा है, सो इट्स ऑसम ओनली। हाय लावण्या। ओके सो या फोमो, सो सोशल मीडिया you want to add? So I just want to say that I recently joined social media and I really enjoy watching reels. But ever since I've joined social media, my sleep patterns have like been so distracted. So and like if I stop, you know, using Instagram for some time, then after some time, like after a little while, I have to come and check again. Although there's nothing there, I know, but still I have to check again. And I just enjoy watching reels so much. So yeah, so I don't know if that counts as FOMO, but it's somewhere in that periphery. Yeah. So the way to deal with it is, Vidhi said, delete your Instagram. So I'm gonna try and do that. But Shivam also said that don't delete it, just keep it away from yourself. Especially at night. हाँ, so, मतलब रात को जब सोने जाओ ना तो फ़ोन लेके मत जाओ। वही ना, बेसिकली जब ये सारे स्टडीज़ का, फैमिली का, ये सारे चेंज और ये सब कुछ मिला के आपका, मैं क्योंकि नीट इतनी लंबी जर्नी है ना, 2 साल की जर्नी है, बहुत आपका माइंड नंबिंग, माइंड मतलब पेनिंग एक्सपीरियंसेस होंगे, हर आपको समझ में नहीं आएगा क्या करूँ, मेरी प्रॉब्लम इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एंड वो प्रॉब्लम लिटरली ये होगी कि तुम्हारे एक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे। लिटरली मेरे को पता है, आई हैव बीन थ्रू इट ना, मेरे को पता है कि मेरे साथ भी ये होता था, और मैं अब सोचती हूँ कि यार मतलब आप ही सुनते थे, आप ही सुनते, आपको लगता होगा क्या प्रॉब्लम है, क्या मतलब क्या इतनी छोटी सी बात है, बट मतलब कभी कभी मुझे लगता है व्हेन यू शेयर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स कि ये कैसे कितने अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, मुझे चाहिए ये ऐसे प्रॉब्लम्स चाहिए मुझे बहुत लगता है, बट इट्स ओके, यू हैव टू डील विद देम, राइट, दिस इज़ योर रियलिटी कि इवन अगर छोटी सी है, हमारे लिए छोटी है बट तुम्हारे लिए बड़ी है, सो यू डील विद इट ना। बेसिकली बिगर पिक्चर, बस बिगर पिक्चर देखो, और इट इज़ नॉट ईजी। मैंने अपना इंस्टाग्राम 2 बार डिलीट किया है, 11th 12th में 2 बार बना के डिलीट किया है, बट जब एक बार आपको ये हो जाता है ना यार इट्स वर्थ इट, मेरे मार्क्स आएंगे, मेरे को करना ही है, मेरे को देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, नाउ आई एम डीप इनटू इट एंड इफ़ आई डू नॉट डू दिस देन व्हाट एल्स विल आई डू। जब आपको ये चीज़ आ जाएगी दिमाग में, आप खुद छोड़ दोगे, एंड ट्रस्ट मी फियर ऑफ मिसिंग आउट आपको सिर्फ तभी होता है जब आपको लगता है कि दैट the other thing was worth more of your time than what you were doing currently. तो जब मेरे बेसिकली 11th 12th में मैं टोटल में शायद 3 या 4 पार्टीज़ में गई होंगी, सिर्फ टोटल में 2 साल में, और मतलब उतनी मैंने शायद दो तीन हफ्ते में कर लेती हूँ मैं अब, बट उस टाइम मैं दो साल में चार बार गई हूँ सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आई न्यू व्हाट आई हैड टू सैक्रिफाइस टू गेट वेयर आई वांट टू बी. तो बेसिकली मे बी वन मोर थिंग यू कैन डू इज़ कि अगर है आपको कि सोशल मीडिया यूज़ करना ही है, देन सेट असाइड टाइम नो कि अच्छा चलो दिन के मैं आधा घंटा सिर्फ सोशल मीडिया करूँगी. सो डू दैट फॉर हाफ एन आवर, बट देन आफ्टर दैट यू डेडिकेट योर टाइम टू योर स्टडीज़ और व्हाटएवर इट इज़ that you have to do, so that you don't miss out on your social media dose and also you study. Okay, Amritanshil Singh, I am a NEET 2021 aspirant, and I was very depressed for not getting marks in my test. But after I started watching your videos, I just feel so much positive and scored good marks. You are God for me. Thank you, Amritanshil. My best friend ka naam bhi Amritanshil. See, Vedhi, you are helping so many people. Yeah. This is like. I am also helping. इसी को क्यों दे रहे हो credit? और मेरे को बोला ना. अब पानी दे दो please. I mean, this is like it's so rewarding to read this. Seriously. I know, yeah, like it really Vedhi, means a lot. Yeah, like Vedhi in the middle, I remember Vedhi was like, you know, she was not so keen on moving forward with these videos, but Shivam pushed her that you know you don't know starting you don't know how many people can help. You can help, and just see this, like it's just so rewarding. It's like, you know, the feedback. This was just before the NEET exam. Yeah. Or even like NEET ka result, I did not want to put out at all. मतलब, but मेरे को बस मामा यही बोलते थे कि nobody is going to judge you उतना ज़्यादा, nobody is going to say bad stuff or people are not that bad, or you're really going to help other people by the way that you will cope up, others will get inspired by you. And I always believe that, you know, you get courage from other people's stories. So when you see someone who was not doing well before and slowly, you know, rose to the challenge and achieved what they wanted to achieve, so for you that is an inspiration that agar wo banda kar sakta hai to main bhi kar sakta hu ya kar sakti hu, you know. So it's important that we all share our stories. One really empowering belief that you all should cultivate within yourself is कि generally basically people are good, everybody is a good person deep within, so always tap into that goodness. So अगर if you are seeing the person who is in front of you as a good person, you will also feel good and they will also see you as a good person. So rather than finding mistakes with everybody, try and find the best thing in everybody. Yeah, really helps. And whenever I'm like, yeah, that person is such a good person, या कुछ ऐसा, there are a lot of good people. You'll find a lot of good people. मैं बोलूँगी, मैं अच्छा गलती से भी मैंने किसी लड़के को बोल दिया ना कि he's a good guy, he's a very good guy. There will be very good guys. Everybody is a very good guy. You'll but find other good guys. True. That is true. हाँ नहीं that is true but नहीं मतलब मैं वही कह रहा हूँ. Everybody is good basically. Generally we are all good inside, all of us. Okay, so our last topic is dealing with the fear of failure. I have never failed. I have like always prevailed. Marks बता, every rank बताना NEET में जरा. ठीक है. हाँ बहुत बार fail हुआ बहुत. I think I would give myself as a classic example of failing so many times in life. Failing in studies, failing in my job. I have been fired as well for not performing. Otherwise, failing in relationships, failing to have a good relationship with parents. I would consider myself the classic case of dealing with failure. But with every failure, I just want to say that when you are in that uncomfortable position and then you try and find a way out of it, then you get this confidence that Seriously. You could have never got if you didn't go through that situation, you know. So whether it was, for example, the most recent I think failure I would say was, I remember I got fired from a job once. So Shivam kind of helped me deal with it. It was so shocking for me because what happened, like what maine aise kya kar diya, like I was in a very bad place for that point of time, but then it gives you a chance to look within कि क्या क्या गलतियाँ की हैं. Then when you sit and actually see, हाँ ये गलती थी, so then you are going to be like यार ये मेरा मिस्टेक था, तो अब ये मिस्टेक तो दोबारा नहीं होगा. So one by one you start dealing with your mistakes and then you overcome them and then you get this confidence. I was not always this confident, say 10 years ago. Was it 10 years ago? 5 years. Basically ये बहुत ही मैं भी ये बोल रही थी कि you when you grow out of it ना मतलब जब तुम grow करोगे ना उससे तुम्हें यही end में तुम्हें ये पता होगा कि you will get through it. मतलब ये तुम्हें अंदर से होगा कि I have been in worse situations या ऐसी situation मेरे साथ पहले हो चुकी है and I can come out of it. चाहे अभी कितना भी मेरे साथ कुछ भी हो रहा हो I know that I can survive it. If for everyone, the confidence, where does it come from? Where your self-esteem, जो आपको लगता है कि no, I'm not good enough, or I'm not. Where does it all come from? How do you get high self-esteem? It's because you have been in uncomfortable positions, and then you found a way to get out of those uncomfortable positions. So it's all building your character. This, all these things, all these difficulties where you're going through. Like for example, if you're not good at your studies. But if you're trying, you're finding ways to get better at them, then slowly you will have that confidence. अच्छा ठीक है, कल ये नहीं पता था, आज ये पता है. And tomorrow if someone asks me about this, I can answer it. तो आपको automatically एक confidence आ जाता है. मुझे पता है मम्मी ना हमेशा ऐसे बोलती, तो मेरे साथ क्या होता था ना कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती थी. ठीक है, बचपन से ही होता है कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती थी. एंड मम्मा ना हमेशा एक चीज़ कहती थी कि इसको धक्का लगने दो, एक बार इसको धक्का, अच्छा है ना पड़े, धक्का लगने दो. और ना मैं हमेशा बोलती थी कि नहीं लगेगा, मेरे मार्क्स आएंगे. और मैं ना हमेशा एंड में पढ़ के मार्क्स लाती थी, 9, 10, 8th में इन सब में तो आ ही जाते हैं ऐसे एंड में पढ़ के मार्क्स. तो मेरे को कभी धक्का लगता नहीं. और बट 9th में मेरी CGPA बहुत ख़राब आई थी. ठीक है, बहुत ख़राब आई थी. तो आई वॉज लाइक, वो मेरे लिए धक्का था, वो मेरे लिए फेलियर ही था. मतलब मेरी 9 CGPA आई थी शायद, हाँ 9 CGPA आई थी. एंड आई वॉज लाइक, मेरे सारे दोस्तों कितनी अच्छी CGPA, मेरी 9 CGPA आई है, मैं क्या, मतलब वॉट, मैं बहुत बुरा लगा था. और वो फेलियर ने मुझे इतना मोटिवेट किया. वो 10th के एंड तक मुझे वो ट्रॉमा याद था जो मेरे, मतलब कि वो जो धक्का लगा था ना कि शिट यार ये क्या हो गया टाइप्स. तो वो मेरे लिए हमेशा फेलियर बहुत मोटिवेटिंग होता है. तो इट्स लाइक कि अगर मैं तो चाहती हूँ कि मैं थोड़ा बहुत फेल हूँ, बिकॉज ना AIITs वगैरह में भी आपको पता होगा कि फेल हो के फिर इतना सीख लिया ना. तो मेरे लिए फेलियर MBBS में भी फेल ही हो गया. हाँ, बिल्कुल नहीं, she's gonna pass and she's gonna be better every year. Okay, Vidhi, answer this. Please tell us what you do when you want to study but can't. मैं basically I don't study when I don't want to study. It's not a good advice, but I don't. And मेरे लिए personally अंदर से आता है बहुत ज़्यादा कि पढ़ना है करके. अगर नहीं आता ना तो मैं नहीं पढ़ पाती, चाहे मैं कितना भी चाहूँ. मैं literally सो जाऊँगी but मैं नहीं पढ़ पाती. तो I am really not the right person to ask this. I'm so sorry. नहीं, बट दिस इज़ अ गुड दिस थिंग दैट द प्रेशर फिर आता है ना. अगर आप कह रहे हो कि नहीं पढ़ना है, चलो पढ़ना ही नहीं है तो लेट मी नॉट स्टडी, फिर धीरे धीरे आपके ऊपर प्रेशर आएगा. नहीं, वो नहीं, वो तो आप प्रेशर तो आप अपने ऊपर बनाओ. वो तो मैं बनाती हूँ अपने ऊपर कि नहीं पढ़ोगे तो वो हो जाएगा. तो लेकिन उसके लिए आपको अंदर से आना. व्हेन यू वांट टू स्टडी बट कांट स्टडी में मे बी यू कैन पुट ऑन सम लाइक, मतलब एक तो सबसे पहले बात, बेड से उठ के अपनी स्टडी टेबल पर बैठो, वरना पढ़ाई नहीं होगी. बेड पर पढ़ाई नहीं होती है. जब मैंने, अच्छा गाइस, मैंने 11th से 12th में एक ये सबसे बड़ा चेंज किया था कि मैंने स्टडी टेबल खरीदी थी. मैं बेड पे बैठ के पढ़ती थी. मैंने कहा बेड पे बैठ के पढ़ने से कुछ नहीं है. अगर कुछ भी पैसे स्पेंड करना है ना, सबसे पहले स्टडी टेबल पे स्पेंड करो. टू सम इट अप, फेलियर इज व्हेन यू ट्राई यू विल फेल, बट कई बार फेल होने के बाद यू विल सक्सीड. आई मीन दैट्स जस्ट अ नेचुरल प्रोसेस. एवरीबडी हैज़ टू गो थ्रू इट. From Sachin Tendulkar to Shahrukh Khan, everybody has to go through it. Everybody has to fail. Yeah, I wanted to also add this. ये भी शिवम ने मुझे बताया था कि when you look at Sachin Tendulkar, right, or for that matter Virat Kohli, if that's who you like right now, so you see, oh my God, what an amazing batsman! Oh my God, what an amazing sportsman! But nobody sees the hours that this person has spent every single day without fail. He gets up early in the morning at 4 or 5, whatever his time is, and he practices every day. That's how you become this great person that everybody. And every day he would be failing also. Yeah. नहीं लग रही होगी, ball connect नहीं हो पा रही bat से, and every day, but. नहीं, ऐसे बहुत सारे बुरे performances भी करते हैं. That's like, अगर वो duck पे out हो गया या one पे out हो गया, then that's not a good thing. That's a failure for that day, but that doesn't mean कि अगली बार उसका same performance होगा, ऐसा नहीं है. He's gonna go back. He's working hard, and then he'll come back even stronger. With your 10th board result, guys, ये बहुत बार बता चुके हैं. Results तो देख लिया करो, videos तो देखा करो हमारे. 94 0.5 है हाँ समथिंग हाँ यार सोचो मैं भूल गई, मैं लिटरली अपने नीट के मार्क्स भूल गई हूँ, बोर्ड्स के मार्क्स भूल गई हूँ, टेंथ के भी भूल गई हूँ, क्योंकि इट रियली डजंट मैटर। जब आप मामा ना मुझे अच्छा ये एक और चीज़ बोलते थे बिगर पिक्चर में एग्जाम डीलिंग विद स्टडी वाला स्ट्रेस एंड ऑल, कि तुम एक बार बताओ जब तुम टेंथ में पढ़ रही थी तुम्हें लगा था इससे बड़ा चीज़ कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, टेंथ का बोर्ड नहीं हो गया क्या हो गया मतलब, और फिर जब टेंथ पास करी भूल गए मार्क्स, लिटरली मैं तो टेंथ के बाद ही भूल गई। 11th 12th में 12th का बोर्ड लगा कि यार कितनी बड़ी बात है, नीट कितनी बड़ी बात, नीट से डे बिफोर नीट वाला आप वीडियो देखोगे कितनी बड़ी बात है, नीट देने जा रहे पागल हो जा रहे। और मे बी कितने महीने हो गए मुझे नीट का रिजल्ट आया हुआ, अक्टूबर में भी आया था ना, तो 7-8 महीने बाद मुझे लिटरली अपने मार्क्स ये भी नहीं याद कि 618 थे या 620 थे, बायो में कितने थे, फिजिक्स में कितने थे, कुछ नहीं याद होगा, मुझे भी नहीं याद एक्चुअली। हाँ मतलब वही ना, यू इवेंचुअली गेट ओवर इट, इट्स नॉट द बिगेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, यू शुड नॉट मेक इट दैट बिग फॉर योरसेल्फ, एंड आई नो इट्स वेरी हार्ड बिकॉज मैं भी नहीं कर पाती हूँ ये, बट वही ना एक थोड़ी सी तुम एक लर्निंग ले लेते हो ये कि यू सर्वाइव्ड दैट so you can survive anything। एक लोग अब तक survive करते आए हो, you have all, if you haven't given your exams here, if you haven't given your exam 10th exams that's fine, but for those who have, of you who have, आप लोग ने दे दिया 10th का exam, आपके board exam हो चुके हैं, you were able to get through it, you know, तो मतलब you can get through things, it's not that you can't, don't make it so big। एक लोग बहुत ये question पूछ रहे हैं, can we study in last 3 months and clear NEET? तो मतलब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि इट इज़ पॉसिबल। आई एम प्रिटी श्योर लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे हाँ। जिन्होंने सिर्फ लास्ट 3 मंथ्स पे पढ़ा होगा, मतलब उस लेवल पे पढ़ा होगा और क्लियर किया होगा, स्पेशली नीट क्योंकि इट्स सो मच एनसीईआरटी बेस्ड ना, इसमें क्लियर करना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं एक्चुअली। एग्जैक्टली लिटरली मैं तो बोल ही रही हूँ, इंटेलिजेंस तो देखते ही नहीं है, दे जस्ट सी योर हार्ड वर्क, दे जस्ट सी योर time management skills, they just see your stress management skills, things that a doctor needs, something like KVPY। अगर आप ये KVPY के लिए पूछोगे कि लास्ट 3 महीने में कर सकते हो तो नॉट, वो नहीं हो सकता बिकॉज उसके स्किल सेट्स बिल्कुल अलग हैं। KVPY इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस, वेरी दे वांट इंटेलिजेंट पीपल टू क्लियर इट ओनली एंड हार्ड वर्किंग, बट नीट एनीबडी कैन क्लियर इट। लास्ट 3 मंथ्स आर ऑल्सो लाइक प्रिटी मच सफिशियंट। अगर आप मतलब इट्स नॉट द आइडियल थिंग, आई मीन इफ़ यू आर स्टडिंग फ्रॉम 2 years एंड इफ़ यू आर स्टडिंग फ्रॉम 3 year, एक बंदा 2 साल के लिए पढ़ रहा है, एक बंदा 3 महीने में पढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली जो 2 साल से पढ़ रहा है उसको बहुत मेजर एडवांटेज है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल फॉर। मेरे एक्चुअली पर्सनली मेरे इंस्टीट्यूट में बच्चों ने जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ते थे 2 साल, उन्होंने पढ़ के एक ने तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छा स्कोर किया। Yeah, so it's a little unfair, but it's okay. But just start. The idea is just start. हाँ. अगर आपको लग रहा है कि you know I want to clear this, just start studying. If you don't score in mock test, then is there any possibility that you won't score in NEET? Mock test is one way to judge your performance. हाँ, but मेरे mock test में बहुत अच्छे आते थे, मेरे NEET वाले दिन अच्छे नहीं आए। वो basically mock test एक हाँ एक idea obviously कि आपको कितना improve करना है and all, but don't think of it as your final result. Definitely काफी difference हो सकता है। How did you utilize your lockdown time last year after completing the NEET syllabus and revision? मैंने ना कम कर दिया था अपने hours of studying, so that कि मेरे को फटीग ना हो। बेसिकली मैं पेपर देना शुरू कर दिया था ज़्यादा पूरे टाइम जितना बहुत इंटेंसली पढ़ना कम कर दिया था। बुक रिकमेंडेशंस लाइक नॉवेल्स। कहाँ पे अपना मुंह मैं छुपाऊं, मैं ये नहीं पढ़ती यार, इसको नहीं। आबिदा कैन सो आई लाइक रीडिंग अ लॉट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। द लास्ट book that I read, I wasn't able to read the book, but I heard the audio book, was PG Woodhouse. If you like English, then you should go listen to PG Woodhouse or read PG Woodhouse. Anything, it's so funny. I literally used to laugh so loud, like while reading. I mean, while listening. Okay, say about IISER and MBBS का difference. IISER and MBBS, मेरे को ना अभी भी थोड़ा सा रिग्रेट होता है कि मैं आईसर नहीं ज्वाइन किया, बट बेसिकली आईसर और एमबीबीएस में यार मेरे को आईसर का पता नहीं है ना कि आईसर में अब क्या कर रहे हैं बच्चे, व्हाट आर दे डूइंग, आई एम नॉट फॉलोइंग इट दैट मच, सो आई एम नॉट श्योर कि व्हाट्स हैपनिंग देयर, बट एमबीबीएस डेफिनेटली मेरे लिए एक बेटर ऑप्शन था, बट आई स्टिल मिस गोइंग टू आईसर, द अपॉर्चुनिटीज दैट आई वुड हैव गॉटन देयर, द वर्ल्ड क्लास रिसर्च एंड द वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटी, मीटिंग द ब्रिलियंट माइंड्स, आई स्टिल मिस दैट. एंड इफ़ यू सीरियसली अगर आपका 50% भी है ना कि 51% रिसर्च एंड 50% एमबीबीएस, देन प्लीज गो फॉर आईसर, प्लीज गो फॉर आईसर, दैट वुड बी माय. ओके, नेक्स्ट इज अर्ली स्टार्ट 9th और 10th नेसेसरी फॉर गेटिंग अ गुड. डेफिनेटली नॉट, बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो, बहुत फटीग हो जाएगा, बहुत फटीग, मतलब अगर आप बिल्कुल ही नर्ड वाले बच्चे नहीं हो ना कि बस. सो बेसिकली देयर वर किड्स इन माय स्कूल जिन्होंने 8th से पढ़ना शुरू कर दिया था, वो पियर्सन वगैरह की बुक्स आती है ना केमिस्ट्री की, उससे पढ़ना शुरू कर दिया था, एंड लिटरली और उनके जेई में 12-15,000 रैंक आई है. अब आई वांट टू टेक साइंस बट आई एम द फोमो दैट आई विल मिस आउट ऑन द फन स्टफ. अच्छा, ऐसा कुछ नहीं. ओके, सो लेट मी टेल यू अबाउट माई फ्रेंड्स जिन्होंने साइंस ली थी, बट वो इतनी मस्ती करते थे स्कूल में, इतनी मस्ती करते थे, वो सब कुछ, वो बंक भी करते थे, फुटबॉल वगैरह जो उनको खेलना होता था वो भी खेलते थे, देन वो पढ़ाई भी कर लेते थे, वो कोचिंग भी आ जाते थे. बेसिकली इट्स लाइक स्कूल में जो आप कर रहे हो ना, दैट इज़. अच्छा, टेक एग्जाम्पल शिखर शौर्य का ही ले लो, वो भी अपने स्कूल में बहुत मस्ती करते थे, बट जब वो घर आके पढ़ते थे ना तो वो बहुत अच्छे से पढ़ते थे. तो साइंस लेने से ऐसा नहीं है कि आप अपना मिस आउट कर दोगे फन, बिकॉज देखो इन दी एंड आर्ट्स वाले और कॉमर्स वाले भी बहुत पढ़ते हैं, इट्स जस्ट दैट साइंस वालों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, बट ऐसा नहीं है कि आप स्कूल में नहीं इन्जॉय कर सकते. स्कूल में आप करो जितनी मस्ती करनी है, बस घर आके आपको कंसिस्टेंट रहना होगा. साइंस यही एमबीबीएस के साथ भी है, आपको यू हैव टू जस्ट बी मोर कंसिस्टेंट देन अदर्स कैन गो ऑन विदाउट स्टडिंग फॉर 10 days 15 days, यू कैन नॉट, यू विल मिस आउट ऑन अ लॉट. दैट्स इट, जस्ट कंसिस्टेंसी, एवरी डे थोड़ा थोड़ा पढ़ना, तो तुम किसी चीज़ पे मिस आउट नहीं करोगे. हाय, अच्छा ये हो गया ना, एमबीबीएस इंटरनल एग्जाम्स हो गए. आई एम वेरी स्ट्रेस बिकॉज आई हैव माइन नेक्स्ट वीक. हाँ, मेरे हो गए. कैसे हो गए? प्लीज कैसे हुए, टेल द वर्ल्ड. गाइस, ये कभी कभी एग्जाम देती थी ना वाइवा वगैरह, तो हमें बाहर सुनाई देता था. अच्छा, ऑनलाइन हो रहे थे. हाँ, ठीक हुए, मतलब ऑब्वियसली कोविड की वजह से हम चाह रहे थे कि थोड़ा डिले हो जाए, बट नहीं करा हमारे कॉलेज वालों ने, बोला कि यू हैव टू गिव द पेपर्स एंड ऑल. तो हम थोड़ा तो स्ट्रेस थे कि कैसे पढ़े, एक तो मतलब इतना ज़्यादा कोविड वगैरह की वजह से इतना अजीब लग रहा था कि बहुत अजीब सिचुएशन थी. देन माई फ्रेंड्स हैड पेरेंट्स इन देयर हाउस हु वर सिक, दे वर सिक, इट वॉज वेरी बैड सिचुएशन, बट स्टिल हमने दिया, सबने साथ में मिल के कलेक्टिवली एक दूसरे को बोला कि देख ये टॉपिक्स कर लो, ये पढ़ लो, ये कर लो, कोई हेल्प हो तो हमसे मांग लेना, हम पढ़ा देंगे. ये सब करते करते धीरे धीरे ऑल ऑफ अस स्टडीड एंड पास. एनी सीरीज रिकमेंडेशंस फ्रॉम ऑल थ्री ऑफ यू? आई वुड रिकमेंड दिस सीरीज आई यूज्ड टू वॉच, इट्स कॉल्ड गिलमोर गर्ल्स, एंड आई लव दैट सीरीज. इट्स अबाउट अ मदर एंड अ डॉटर, अ सिंगल मदर एंड हर डॉटर. And the daughter is 16 and the mother is 32. So basically the mother had the daughter when she was 16, and their relationship is so much fun, it's so beautiful, and the show is like everyday life. It's not like, oh, kuch explosion ho gaya ya fir you know, some grand drama has happened, aisa nahi hai. It's just like everyday life, and I just love it. So it's called Gilmore Girls, you can find it on Netflix. Really, aap batao. Brooklyn 99 is my favorite web series. Favorite, बिल्कुल ही मतलब दिल के क्लोज. Brooklyn 99, Big Bang Theory, Young Sheldon, and Grey's Anatomy, Friends. If you're just starting with English series, then Friends से शुरू कर लो. It's like the most easiest to watch. और वैसे like if you're into like something more interesting, then Game of Thrones. I just want to add that if you watch Gilmore Girls, I have read so many comments on Gilmore Girls that people's English has improved because of watching Gilmore Girls. ये friends के लिए भी बोलता है ना। हाँ, but in Gilmore Girls they have so many references of books and you have to go back read those books to understand those kind of references. So many people in the world like they had a meeting recently with the cast and the crowd members said this that I did not used to read any book but after I started watching this I started reading more books. So if you want to improve your English and get the hang of the slang and the language and stuff then you can watch that as well. Okay, last 7 minutes huh? We'll end at 5:20. How did you get through JEE mains physics and chemistry? JEE exam कोई भी दे सकता है guys, देना तुम भी। हाँ, भरा अरे बेसिकली कुछ नहीं यार, तुमको ना बस लिटरली फिजिक्स केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो नीट जैसे ही लेवल होता है बस थोड़ा सा ऊपर, तो हम तो हमेशा ही हाई लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते थे तो हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं था। Some words for students who are facing financial problems and hence eventually some family issues. This is a very very good question. बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज हैं स्पेशली ड्यूरिंग दिस टाइम जब लोगों की जॉब्स जा रही हैं एंड स्टफ लाइक दैट. इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट टाइम बट जस्ट हैंग इन देयर. रिमेंबर दैट मनी इज नॉट द एंड, इट्स अ मीन्स टू एन एंड एंड द एंड इज़ प्रॉब्ली बीइंग हैप्पी. सो मनी इसको इतना इम्पोर्टेंस मत दो. ये आई नो हमारे लिए कहना आसान है क्योंकि हमें हमारी जॉब्स अभी तक हैं थैंकफुली, But even if you're not, like, don't get too caught up in money. Like, think of ways where you can earn, obviously, but especially you being children, I'm assuming, Udit, you're a child still, maybe in 11th, 12th. You should not worry so much. You should not put your mind to it. Let your parents worry about it. It's their duty, it's their responsibility. But what if it's affecting his life? No, obviously it will affect your life, but at the end of the day it's your parents' responsibility to take care of you. So let them worry about it. Just don't give them added pressure. हां, मतलब ये नहीं कि हमें make demand iPad भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए. Just try and help them out as well. Be cooperative. Yeah. Be as cooperative as possible, but हाँ मतलब जस्ट दिस थॉट दैट मनी इज़ नॉट द एंड, इट्स ओनली अ मीन्स टू एंड. अगर पैसा आ भी जाएगा तब भी कोई बहुत मेजर कुछ ये नहीं होगा कि यू नो कि नाउ यू विल बी हैप्पी. लाइक हैप्पीनेस एंड मनी आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स. रिलेशनशिप्स एंड मनी आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स. कीप देम सेपरेट एज मच एज पॉसिबल. डिड यू वॉच एनीमे? नो 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 आई डिड नॉट. थैंक यू गाइज, इतने सारे आई लव यूज जो आ रहे हैं. थैंक यू यार, बहुत अच्छे हो आप लोग. व्हेन आर यू गाइज गोइंग टू टॉक अबाउट योर इंटर रिलीजन मैरिज? सून. स्किन केयर रूटीन, मामी स्किन केयर रूटीन. लेट्स मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन अ स्किन केयर रूटीन. विधि व्हाट डू यू से? हां मैं बना दूंगा. ओके, हाउ डिड विधि बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एज दिस वाज हर विश व्हेन शी टर्न्ड 18? तो अब इसके पास थोड़ा पैसा तो आता है बिकॉज ऑफ स्पॉन्सरशिप्स एंड स्टफ, बट ये कुछ भी यूज़ नहीं करती है. स्टिल अभी भी मुझसे पैसे मांगते हैं या अपनी मम्मी से पैसे मांगते हैं. हाँ. या आबिदा से पैसे मांगती है. और देता कौन है? मैं. कोई नहीं देता. अच्छा, कोई नहीं देता मेरे को पैसे. मैं मांगती हूँ वो अलग बात है, बट मुझे कोई देता नहीं है वो भी है. No, so the thing is, I think once you started earning, even अगर आपको एक allowance मिलता है, so that's a way for you to learn to manage your money. Even after that, if you're going to your parents for कि ये दिला दो वो दिला दो, then I think that's not right. अगर आपको बिल्कुल allowance मिलता ही नहीं है, then yeah, you can make your demands as and when you need them. But if you have your own money, learn to manage that money. Obviously, your parents will, you know, what you need, they will provide that for you. But try and learn to manage money. Message to hated Tarun. Good work, bro. 20 हो गया. Okay guys, so रुक जाओ एक सेकंड, देख लेते हैं. Any other questions? Tips for starting 11th. Guys, हमारा एक वीडियो है how to study efficiently. If you've just started 11th, it's the perfect video to watch. वो जरूर देखना, how to study efficiently. हाँ. And basically पूरी playlist वो talk nerdy with Vidhi करके एक playlist है, वो पूरी देख लो. But especially start with this video. This is perfect for that. Yeah. Okay guys, thank you so much. इतना सारा hearts and love yous and you all look very nice and you help us. मतलब इतने सारे लोग हैं। I just want to say that when we started, we had like somewhere around 300, 400 people watching, but now there are what? Is this the number of people watching? No. अच्छा दीदा comments. हाँ. 500. 500. Well, it went up to 700, 800 also. ठीक है, good job everyone for coming. I hope you got something out of today. Something out of it and like fair, थोड़ा आपको ठीक लगा हमसे बात करके and leave it in the comment section after the video gets over. ये वाले सारे जो comments है ना ये सारे delete हो जाते हैं तो एक बार ना वीडियो पे just comment कर देना so that we know कि do you want videos like this. हम फिर से कुछ इस टाइप का कुछ और like there's so many things that I have learned in my life that literally changed my life and like I have taught so many of those things to Vedhi and to Abida also and there's so many those things that I would like to share with you but I don't know if you guys are really that interested. I don't want to force it. So we just let us know. You don't want to be like gyan de rahe. That's the last thing we want to do. But it should be like a conversation. So you guys give us feedback as well. That's why in the comment section let us know. Yeah. And Eid Mubarak everyone. And oh, to all those who are celebrating Eid Mubarak. Sorry for wishing so late. Yes. And we'll see you guys later. Yeah. And love you all. Thank you so much for joining. बात करने के लिए हमसे and we love you. Take care. Bye. See you. End हो रहा है. Oh shit. End कैसे करना है? कोई नहीं हम